ये है नज़ारे पता आप लोगों को, ये सारे यार इसका कोट कितना प्यारा है यार देखो। हाँ शरारती शरारती और शरारती। इसकी जिप्सी का भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, फॉर श्योर करने वाला हूँ मैं जल्दी, ठीक है। शाउट आउट टू शोहेब एंड आदर्श कटोच। आदर्श हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। यार आप लोग भी सोच रहे होंगे आज मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन नहीं कह रहा हूँ। आज टाइम पता है कितना हो गया, टाइम हो चुका है 1:56। और इसका रीज़न ये है कि मैं ना पिछले कल बहुत ज़्यादा थक गया था और एडिटिंग हो नहीं पाई है, सुबह भी काफ़ी ज़्यादा काम था मेरे को। एक मिनट गाड़ी आई, तो सुबह भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम था, उस चक्कर में एडिटिंग नहीं हो पाई। और अभी भी हम लोग पहचान आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं वो चीज़ तो बाद में बताएंगे। तो अभी किसी कुछ ऐसे है ना, ये जिप्सी है राहुल की और अभी इसका रिव्यू करने वाले हम पूरा। यार एक्चुअली ना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सारी जिप्सियों का रिव्यू करूं जितनी भी मनाली में, तो कमेंट में जाकर जरूर बताओ। मेरे को काफ़ी जिप्सी है और आधे से ज़्यादा मेरे दोस्त है, तो सारी जिप्सियों का रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें की हुई है मनाली में जिप्सियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है ना वो है ये एंग्री बर्ड की ग्रिल। कितने की पड़ी थी आपको ये? 2700 की ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है यार ये। बट एक चीज़ है कि ये जो लाइट्स फ्रंट में लगाई हुई है ना, फॉग लैंप्स, इन्होंने ढक दिया है इसको। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें बॉस की हेडलाइट्स लगी हुई है, ये भी हम लोग आपको जला के दिखा देते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से ये जलती है, बॉस लिखा हुआ है। यार अगर नंबर भी बॉस होता ना क्या बढ़िया लगती है। एक्चुअली हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट से। तीसरा इसमें आ गया, जैसे मैंने भी एस्थेटिक, यार मैंने ना एक्चुअली ये देख के ये एस्थेटिक अपना कराया हुआ, जो बार लाइट में मैंने एस्थेटिक कराया ना, यहाँ पे देखो अलास्का लिखा हुआ है, काफ़ी सही चीज़ है। और इस ये वाली बार लाइट बड़ी है यार, मेरी वाली काफ़ी छोटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोनट के ऊपर गाय फ्रॉम मनाली का स्टिकर, कमेंट में ज़रूर बताना लग रहा है बढ़िया कि नहीं। वाइपर्स इसमें दूसरे है यार, फ्लैट वाले। मेरे वाइपर्स अलग है, इसमें अलग है वाइपर्स थोड़े। और आ जाते हैं हम लोग इंटीरियर पे। इंटीरियर वैसे सिंपल ही है, यहाँ पे गत्ता नहीं लगा हुआ है, मेरी वाली में यहाँ गत्ता लगा है ना, इसमें गत्ता नहीं है। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है और ऑल्टो की सीट्स है यार ये लगी हुई, बट फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। और पीछे से तो ये पूरी ओपन रखी हुई है। एक्चुअली ना बाइक लोड करके लाई थी उस दिन सिसु से, जब सिसु में बाइक ख़राब नहीं हुई थी उस दिन इसी में लोड करके लाई है, उस चक्कर में तरपाल खोला हुआ है इसका। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है यार, आप देख सकते हो वाइट कलर है, ठीक है, और साथ में रिम आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग रिम्स लगे हुए और गोल्डन कलर के रिम्स है। तो यार सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ इसमें पता क्या मेरे को जो लग रही है, वाइट कलर की गाड़ी है और गोल्डन कलर के रिम्स है, ऑफ रोडिंग रिम्स। तो ऐसा क्या है आपको कि आपने व्हाइट के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन किया हुआ है? ये मेरे फ्रेंड ने किया था एक ना, उनके वहाँ से देख के मैंने करवाया था। पहले तो तीन कलर तो मैं चेंज करवा चुका हूँ। कौन कौन से? मेरा वाइट, अच्छा, फिर ऑरेंज, हाँ, फिर ग्रीन, अच्छा। तो अच्छे नहीं लगे, फिर इधर को अच्छा लगा। इसके बाद फिर से चेंज तो नहीं करना है? ना ना, इसको थोड़ा लाइट करूंगा। तो गाइस कलर यही रहने वाला है ना, बस थोड़ा सा डार्क है, इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, यह ना राहुल का ये इंस्टाग्राम पे पेज है NH3 मोटो एडवेंचर, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना ना। वैसा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं आप लोग बोलोगे भैया बहुत कुछ किया जिप्सी में? किया कुछ नहीं है, सिंपल है जिप्सी, बट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है यार। आप लुक देख सकते हो एक बार ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मेरे को। ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया चाहते है ना? नहीं नहीं ज़्यादा खर्चा ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई चीज़ें लगाई हुई है ना, शेकल्स लगाए ना कुछ किया है, सिंपल है, बाहर बाहर से थोड़ा सा किया हुआ है। और बाकी फोटोज़ इसकी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, NH3 मोटो में मिल जाएगी, और मैं भी इसकी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, गाय फ्रॉम मनाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर दीजिए और फोटोज़ भी चेकआउट कर लीजिए। और अभी के सीन्स कुछ ऐसे कि यहाँ से हम निकलेंगे मनाली, मनाली जाते हैं उसको मिलते हैं आप। यार मैं ना अभी पीछे बैठ गया, पता है आते वक्त तो हम तीनों आगे बैठ के आए हुए थे, बट मैं पीछे का फील लेता हूँ। अभी मैं चला हुआ हूँ लाइव, देखते कितने लोग ज्वाइन करते हैं। एंड कुछ इस तरह का नज़ारा है। हेलो 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 रोमी, हेलो गाइज, मैंने सबको व्लॉग में ले रहा हूँ, तो हेलो 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 सबको, हेलो बोलेंगे हम। सत्यम सूद हेलो, रोमी हेलो, फ्रिकी ललित सोंटू हेलो हेलो हेलो, कार्तिक अहूजा हेलो भाई हेलो हेलो। तो गाइज अभी तक ना 40 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। रोनू राशबा हेलो ब्रो, सारे ज्वाइन कर रहे हैं। रियल बीस्ट हेलो हेलो। तो यार अभी ना मैं ना जिप्सी में बताया पीछे बैठा हूँ राहुल की, एंड ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं। सैम वर्मा हेलो ब्रो हेलो। यार अभी ना मैं लाइव में सारे रिप्लाई करता हूँ सबको, तो इसके बाद चलते हैं राहुल के वहाँ पे। एक्चुअली गाड़ी भी मैंने वहीं पे खड़ाई है। तो गाइज शाउट आउट टू शोहेब एंड आदर्श कटोच, तो यहाँ पे बोल रहे हैं शाउट आउट देने के लिए। कन्वर 8475 हेलो भाई, शाउट आउट टू यू। यार मैंने अभी लाइव चला हुआ था और पता है करण वहाँ से ना कमेंट कर रहा था, और मैंने बोला इसको आ जाओ, और देखो बंदा 2 मिनट में पहुँच गया यहाँ पे।
और ये रही करण की जिप्सी, इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा मैं ना, कमेंट में जरूर बताओ मैं आप लोग चाहते हो तो। यार अभी ना करण की जिप्सी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आज नहीं दिखा सकता, कज़ आज राहुल की जिप्सी का किया हुआ है, ठीक है? तो अभी चला के चेक करता हूँ मैं एक बार, इसकी जिप्सी का भी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, फॉर श्योर करने वाला हूँ मैं जल्दी, ठीक है? यार अभी मैं चला रहा हूँ करण की जिप्सी ना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें, तो इसके ऊपर तो एक अलग से ब्लॉग बनता है, तो वो एक या दो दिन में दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो गाइज अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि यहाँ से हो चुके हम लोग फ्री, और अभी जाएंगे मार्केट, वहाँ से अपनी गाड़ी उठा के चलूंगा मैं घर को, तो लेट्स गो। यार मेरे ना पूरे बाल उड़ गए पता है हवा से, ये है नज़ारे पता है आप लोगों को, ये सारे सर। आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अज्जू ने देखो गाड़ी क्या पार्क की हुई है, टायर देख सकते हो आप लोग आगे वाला, यहाँ पे देखो रिस्की, वेरी रिस्की, ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा रह गया ये आधा इंच। तो यार अभी ना बाइक ऑलमोस्ट हो चुकी है रिपेयर, बस इसमें पता है कि थोड़ी सी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो बड़ी ना भी टैंक खोल रहा है। यार अभी की सीन्स कुछ ऐसे है कि 3 बज गए एंड मैं जा रहा हूँ घर लंच करने के लिए, वैसे तो अभी बर्गर खाया ना, और घर जाके भी लंच करेंगे, और एक और चीज़ मैंने एडिटिंग नहीं की अभी तक कंप्लीट, तो घर जाके एडिटिंग करते हैं। यार अभी मैं ना घर जाते जाते आया हुआ था इलेक्ट्रिशियन के पास, एक्चुअली हुआ क्या था ना, जो मेरी पीछे की लाइट्स थी ना, बैक लाइट्स, ये उस दिन हमने रिपेयर की हुई थी, नए डाले हुए थे अंदर होल्डर्स ना, तो ये वाली नहीं जल रही थी बिल्कुल भी पता है, जैसी लाइट ऑन की ना ये जल पड़ी, तो ये होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना उस टाइम पर दर्द नहीं हो रही होती पता है, पहले आपको बहुत दर्द होगी उस टाइम पे होगी नहीं, तो वही प्रॉब्लम है कि पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे डॉक्टर के पास पहुंची प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अभी तो जल रही है तो चलते हैं घर पे। मैंने परसों ही गाड़ी वॉश कराई थी ना, और पिछले कल परमवीर भाई के पास गाड़ी थी, और बाहर से ना देखो पूरा कीचड़ उछल गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। यार इतनी देर से लेके ना लाइट ही नहीं थी पता आप लोगों को, और अभी टाइम हो चुका है 4:49, और अब जाके लाइट आई है एंड मैंने एडिटिंग अपनी स्टार्ट कर लिया है। तो यार मैं ऑलमोस्ट मेरी एडिटिंग हो चुकी है ना, अब लैपटॉप मैंने बंद कर दिया है एंड टाइम अभी हो चुका है 5:42, 15-20 मिनट की रह गई है एडिटिंग मेरी, वो घर आके करूंगा मैं। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे कि मैं जा रहा हूँ मार्केट बोंगो को लाने के लिए, एक्चुअली एक फ्रेंड का हस्की है ब्राउन कलर का ना, ब्राउन कलर और ब्लू आइज पता है आपको। फिर अभी ना हम मार्केट आ चुके हैं एंड एलविन भी मेरे साथ आया हुआ है, आप लोगों को एक्चुअली मैंने मिलाया नहीं उसे, कज हम काफी जल्दी में थे, तो अभी आप बोंगो आ रहा ना, बोंगो को मिलाता हूँ आपसे मैं, तो यार इससे मिलूँ, ये बोंगो देखो, बोंगो अभी नहीं दिखेगा आपको कितना सुंदर है ना, सुबह दिखाता हूँ आपको एक बार। मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं बहुत शरारती यार, बोंगो क्या हुआ, ओए यार इसका कोट कितना प्यारा है, यार देखो, हाँ शरारती शरारती ओ शरारती। मेरे को ना यार बोंगो ने पूरा भर दिया है बाल से पता है, आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा होगा ना, बट यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सोचो मेरे ये हाल है तो गाड़ी में क्या हाल हुआ होगा। तो गाड़ी तो मैं देखता हूँ कल परसों वॉश करूंगा मैं, कस बोंगो ना 2 दिन के लिए मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। एक्चुअली आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बोंगो को क्यों लेके आया हूँ, बोंगो एक्चुअली मेरे फ्रेंड का हस्की है और ब्लू आइज है और ब्राउन कलर का, हाइट में काफ़ी ज़्यादा है, बॉस्को से भी ज़्यादा हाइट है इसकी, तो एक्चुअली मिश्का हीट पे ना, तो मेरे को मेटिंग करवानी है इन दोनों की, मेरे को ब्राउन बच्चा चाहिए। मेरे को पता है काफ़ी लोग मेरे को ये भी बोलेंगे कि भैया आपके पास मेल है बॉस्को फिर भी आप उसके साथ क्यों करवा रहे हो, कज़ यार रीज़न इसके पीछे सिर्फ एक है कि मेरे को ब्राउन कलर का बच्चा चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको बोंगो को यहाँ पे लाया हुआ है। तो अभी किसी कुछ ऐसे कि मेरे को ना एडिटिंग लगी थोड़ी सी करने को, मैं वो करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।